press the bell icon on the YouTube app and never... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू कासमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। आपसे बात हो और एसईओ की बात ना हो, डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं, आपको मालूम है मेरे घर रुकेंगे। मेरे घर में अभी हमने पेंट वगैरह शुरू करवा दिया है, दोबारा से जरा रेनोवेशन चल रही है। तो मुझे ये बताइए कि आप उनके विजिट को कैसे देखते हैं। वैसे तो उन्होंने साफ कह दिया हिंदुस्तान पाकिस्तान में बात नहीं होगी, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए, वो एसईओ के लिए आ रहे हैं। लेकिन चाइना से भी उनका सामना होगा, चाइनीज प्रेसिडेंट से भी सामना होगा और पाकिस्तान के तो लोग होंगे ही। कैसे देखते हैं आप उनके विजिट को? पहली बात है कि दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तान है, चाइना चाइना है। हमारे चाइना के साथ जो आप बड़े भंगड़े डालते थे, ओ जी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, आपको पता होगा कि वहाँ से चाइनीज़ खुद ही पीछे हट गए हैं जहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा एग्रेशन दिखाने की कोशिश करी थी। 3-4 साल में पता लग गया ये मोदी है, ठोकेगा और नाक भी ऐसा लाल करेगा कि नाक में से खून सूखेगा नहीं, इसलिए पीछे हट गए। अब आगे क्या हो रहा है? आगे एक ही चीज़ हो रही है कि वी हैव टॉक टू देम कि आप पीछे हटिए, उसके बाद ट्रेड की बात होगी। अब चाइना को पता लग गया पीछे हट गए हैं, अभी ट्रेड खुलने शुरू हो गया है चाइना के साथ। जो फ्लाइट्स बंद थी, फ्लाइट्स चालू होने वाली हैं और इवन की जो वीज़ाज बंद थे चाइना के साथ, वो भी खुलने वाले हैं। और चाइना डेस्परेट है कि भारत के साथ रिलेशंस को ठीक किया जाए, बिकॉज चाइना को आज की डेट में बिजनेस की ज़रूरत है। मैं चाइना में रहता हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ पर बिज़नेस का कितना बुरा हाल है। इनके पास ऑर्डर्स ही नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं। तो चाइना को अगर अपने आप को सर्वाइव करना है, उसे भारत की मार्केट की ज़रूरत है और मार्केट तो उसे अमेरिका की भी चाहिए। लेकिन इन्हें लगता है कि आगे ट्रंप आने वाला है और ट्रंप आते ही इनके ऊपर इनकी वाट लगा देगा, क्योंकि वो टैरिफ्स लगाने वाला है, चाइना को इनकम्पेटिटिव बनाने वाला है, वहाँ पर भी भारत को फ़ायदा होने वाला है। इसलिए चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने अपनी कंपनीज को बोल दिया, आपको सुनकर भी हैरानी होगी, चाइना ने अपनी कंपनीज को बोला है आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप जाकर भारत में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि मेड इन भारत होगा तो अमेरिका उसे एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मेड इन चाइना की स्टैंप लगी होगी तो अमेरिका उन इम्पोर्ट्स को बैन कर देगा। तो अब सारे चाइनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सारी भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, और भारत ने बोल दिया हम इन्वेस्टमेंट आपकी तब अलाउ करेंगे जब आप बॉर्डर से पीछे हटेंगे। बॉर्डर से पीछे हट गए हैं, अब उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर आने वाली है। तो आप देखेंगे चाइना के जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो भारत में अभी इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं और मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। और यही चीज़ जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं और जयशंकर जी के बीच में यही बातें होने वाली हैं। वहाँ पर हो सकता है आपके जासूस कोई ना कोई बैठे होंगे, उनको मिर्चें लगने वाली हैं और कुछ नहीं होगा। आरजू जी आप जाकर देख लेना, वहाँ पर शी जिनपिंग जयशंकर जी के साथ भंगड़े डाल रहे होंगे आप ही की कंट्री में। नहीं सर, हम तो मानते हैं कि आपकी कंट्री बहुत आगे की तरफ जा रही है, आप लोग चंद्रयान पे चले गए, आप लोगों ने क्या कुछ कर लिया, कौन कौन से आपने मिसाइल्स रॉकेट बना लिए। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपकी कंट्री ने की है अभी रिसेंटली, राहुल गांधी जी ने बताया कि आप लोगों ने जलेबी की फैक्ट्री बना ली है। तो वो जो जलेबी वो भी खेतों में बनाई है, वो भी खेतों में, ये कैसे हुआ सर? देखिए जो उन्होंने जलेबी बनाने की कोशिश करी थी वहाँ पर, लेकिन बाद में पता लगा कि जो चाशनी है वो करेले के जूस से बनी है, क्योंकि जो जलेबी होती है वो भगवे कलर की होती है। इन्होंने हरे रंग की बनाने की कोशिश करी, लोगों ने बोला यार हमें नहीं चाहिए, हमें हरे रंग की जलेबी नहीं, हमें तो भगवे कलर की ही जलेबी चाहिए। तो उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि उनकी चल जाए, लेकिन चली नहीं। और ये हरियाणा वालों को दाद देता हूँ मैं कि इसकी धरी की धरी रह गई है, जलेबी की फैक्ट्री खुल गई, खुलते ही बंद भी हो गई है, और चाशनी इसके मुंह पे थोप दी है सारे हरियाणा वालों ने। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ आवर पीपल कि आज जो काम किया है, आगे जाके जो बाकी के स्टेट्स हैं वहाँ पर भी इसके साथ, इस धुरत के साथ यही कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये इसी लायक है। मुझे मालूम है जैसे हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं आपकी कंट्री में, आप राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा प्यार नहीं बल्कि सपोर्ट करती हैं। तो आई नो व्हाट यू वांट सर, टफ टाइम तो दे रही है अपोजिशन के, नहीं आपको लगता ऐसा नहीं हो रहा? टफ टाइम मिलना भी चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ जो अपोजिशन है उसका काम होता है कि दे हैव टू कीप द गवर्नमेंट ऑन द हुक, और मोदी जी की गवर्नमेंट को हुक के ऊपर रखकर
हमारे लिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि अब मोदी जी को और चीज़ें डिलीवर करनी पड़ रही हैं जो शायद उन्होंने ठंडे पस्ते में डाली हुई थी। तो जितना ऑपोजिशन स्ट्रांग होगा उतना गवर्नमेंट भी काम करती है। तो जितना 10 सालों में काम किया है मोदी जी ने, शायद जो अभी नंबर्स कम आए हैं, ऑपोजिशन थोड़ी सी स्ट्रांग हुई है, तो थोड़ा सा इन्होंने टफ टाइम देना शुरू किया है गवर्नमेंट को, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट ऑल्सो। और डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है, जब एक ही गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है देन दे डू नॉट लिसन नाइदर टू पीपल नॉट टू अपोजिशन, और ये नहीं होना चाहिए। और मोदी जी खुद बोलते हैं कि अ स्ट्रांग अपोजिशन इज़ गुड फॉर द कंट्री, एंड आई एग्री विद इट, और यही काम आज की डेट में हो रहा है। दूसरी बात है कि जो हमारी अपोजिशन है वो कंस्ट्रक्टिव की बजाय डिस्ट्रक्टिव काम करने में ज़्यादा विश्वास रखती है, बट आई कैन सी दैट रिजल्ट्स आर कमिंग एंड दैट इज़ गुड फॉर द कंट्री। लेकिन सर अमेरिका में भी इलेक्शन हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ जो है, वो आप सब जानते ही हैं कि सबकी नज़रें उस पर हैं, कौन सी पार्टी आपको आती हुई लग रही है, कौन सा प्रेसिडेंट, और दूसरा ये कि कोई भी आएगा चाइना के साथ टर्म्स कैसे होंगे अमेरिका के? पहली बात ये है कि अगर आपने फॉलो किया हो अमेरिकन पॉलिटिक्स को, वो साजिद जी आते हैं आपके वहाँ पर, तो यू सब सीन कि कमला हैरिस और ट्रंप ने पिछले 2 हफ्तों से चाइना का नाम लेना बंद कर दिया। अब आप सोचेंगे यार इनका तो जो पूरा कैंपेन था वो चाइना के ऊपर था कि हम चाइना की वाट लगा देंगे, दोनों बोल रहे थे, 2 हफ्ते से बंद कर दिया है। उसका रीज़न है कि चाइना ने एक पैकेज दिया है यहाँ पर, फाइनेंशियल पैकेज बहुत बड़ा, और इन्होंने अपनी इकॉनमी को एक तरह से स्टेबल कर लिया, स्टॉक मार्केट राइज कर रही है यहाँ पर, इवन की जो रियल एस्टेट की प्राइसेस डाउन जा रही थी इंक्रीज होनी शुरू हो गई हैं, एंड दे आर नाउ कमिंग आउट, जैसे इंडिया के साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी एंड दे विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो ये अपने विंग्स को इन्होंने इंक्रीज करना शुरू कर दिया। अब आते हैं कि जीतेगा कौन, जीतेगा इनमें से शुरू में लगेगा कि कमला हैरिस जीत रही है, बट आई स्टिल एम 100% श्योर कि ट्रंप ही जीतने वाले हैं, वो कमला हैरिस को हरा देंगे, जबकि सोशल मीडिया के ऊपर ऑलरेडी कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन चुकी है अमेरिका की, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी भी बन चुका है, तो वही हाल कमला हैरिस के साथ भी होने वाला है। ट्रंप को ये इतनी जल्दी आसानी से जो डीप स्टेट है अमेरिका का वो प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे, और ट्रंप को इस बार लड़ाई करनी पड़ेगी टू गेट द प्रेसिडेंसी इन हिज फेवर। ये नेक टू नेक है आज की डेट में, एंड आई प्रिज्यूम कि इसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर ही लड़ना पड़ेगा कि भाई आई एम द लेजिटिमेट विनर ऑफ दीज इलेक्शंस, और ये इलेक्शंस मेरे नाम पर हैं, मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब नेक टू नेक होता है तो कई बार अमेरिका में एक एक महीना भी काउंटिंग होती रहती है, उसके बाद फिर बड़े खेल होते हैं, तो ये खेल होने वाला है, एंड ब्लडशेड होने का मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ पर शायद सिविल वॉर जैसी सिचुएशन भी बन जाएगी। ट्रंप जीता तो भी, और अगर कमला हैरिस को जिताने की कोशिश करी इन ब्रांडों ने और डीप स्टेट ने, तो भी ब्लडशेड होगा, यानी कि दोनों में से कोई भी जीता सिविल वॉर जैसी सिचुएशन वो अमेरिका में वो होने वाली है। और मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्या है। अभी रिसेंटली चाइना में एक रिपोर्ट अमेरिका में एक रिपोर्ट भी आई है कि चाइना हमारे जो इलेक्ट्रोल पूरा का सिस्टम है उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, उसने काफ़ी इनके जो सिस्टम्स हैं उनको हैक कर लिया है, टेलीकॉम कंपनीज के सारे डेटास को उसने हैक कर लिया है, और लोगों के पास मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं इन फेवर ऑफ कमला हैरिस। तो ये सारे काम चाइना कर रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना की तरफ से खर्च किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से ट्रंप ना आए। आपको जानकर भी हैरानी होगी कि 2016 में जब ट्रंप पहली बार खड़े हुए थे तब चाइना वॉज सपोर्टिंग ट्रंप, ये सोचकर कि ये बिजनेसमैन आदमी है, he will be much more easier to deal with rather than जो हिलरी क्लिंटन थी। लेकिन बाद में पता लगा कि इस आदमी ने, ये बिजनेसमैन है, ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये वही काम करेगा जो इसके कंट्री के फेवर का है, इसे खरीदना इम्पॉसिबल है, तो उसने जो कुछ किया वो हिस्ट्री है। तो अभी इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमें ट्रंप नहीं चाहिए, हमें कमला हैरिस चाहिए क्योंकि वो करप्ट है, एंड शी विल बी ईजियर टू डील विद। तो अब देखते हैं क्या होगा। मुझे आपने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि कौन जीतेगा, आई एम स्टिल 100% श्योर कि ट्रंप विल विन, लेकिन उसे लड़ाई करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में जाकर। लेकिन सर हमारे यहाँ तो एक इम्प्रेशन ये भी है कि अमेरिका में किसी की भी गवर्नमेंट एक पॉलिसी वही रहती है जो भी किसी कंट्री के साथ है, हमारे यहाँ की तरह नहीं कि अभी इधर है तो कभी उधर है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई भी प्रेसिडेंट आए अगर पॉलिसी वो एक ही रखते हैं अपनी, तो क्योंकि डीप स्टेट बनाते हैं। आरजू जी आप तो ना इधर हैं ना उधर हैं, आप तो कहीं नहीं हैं, तो एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न वो उनकी जो पॉलिसीज हैं उसमें शिफ्ट होता है। मैं आपको उसका उदाहरण दे सकता हूँ, जब ट्रंप थे प्रेसिडेंट तब उन्होंने चाइना की जो वाट लगाई है आपके सामने है,
उन्होंने कितने कंट्रीज के अंदर युद्ध चल रहा था उसको बंद करवाया। बाइडन ने आते ही क्या उस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा? आंसर इज नहीं। उसने क्या किया, उसने दुनिया में 4-5 जगह पे युद्ध शुरू कर दिया, बाकियों पे युद्ध वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी। चाइना को उन्होंने ऑलरेडी पूरा सपोर्ट किया 3 साल के लिए, सारे टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर किया, वो टेक्नोलॉजीज जो ट्रंप ने बैन कर दी थी कि चाइना को नहीं देनी है, स्पेशली सेमीकंडक्टर। और जब सब कुछ ट्रांसफर कर दिया है, इवन की जो एरोप्लेन्स बनाने वाले जो कमर्शियल प्लेन होते हैं उसकी टेक्नोलॉजी भी चाइना को ट्रांसफर कर दी गई ट्रंप के जाने के बाद। तो अगर आप बोलेंगे कि सेम पॉलिसी कंटिन्यू करती है, वो तब करती है अगर सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू रहती है। अगर दूसरी पार्टी आती है वो शुरू में लगता है कि दे आर फॉलोइंग इन द सेम लाइन, बट अल्टीमेटली वो चेंज कर ही देते हैं। और यही होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, देखने में लगता है कि इट कंटिन्यूज बट एक्चुअली इट डजंट। और जो डेमोक्रेट्स हैं वो कभी भी ट्रंप की पॉलिसीज को कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, और ट्रंप भी डेमोक्रेट्स की पॉलिसी को कभी भी वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा, बिकॉज जो रिपब्लिकन्स हैं जनरली वो नेशनलिस्ट माने जाते हैं, तो जो डेमोक्रेट्स हैं वो लिब्रांडो हैं। और लिब्रांडो कैसे होते हैं मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ पर लिब्रांडो होते हैं कि गधे होते हैं, लेकिन लिब्रांडो का सिस्टम एक ही होता है, अपनी जेबें भरो, नेशन गया भाड़ में। तो दोनों के जो आइडियोलॉजीज हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि दोनों सेम पॉलिसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। एंड ट्रंप अगर आया, वो बाइडन के सारे काम, वैसे तो काम उसने को किए नहीं है, सारे उल्टे काम ही किए हैं, उसे डिसमेंटल करने वाला ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल ऐसा ही है खैर सर, इन सब न्यूज़ पे हमारी नज़र रहेगी। और मैं अभी से आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 15 और 16 को SCO मीटिंग है, और उस वक्त आप थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाल के रखिएगा, क्योंकि हमारी कंट्री में, हमारी सिटी में जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ पर हो रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर जयशंकर मेरे घर रुकने वाले हैं, और मैं पेंट भी करवा रही हूँ और सब तैयारियाँ मुकम्मल है, तो जल्दी आपसे मैं जयशंकर जी को यहाँ से पहले गोकी जैसे आपके घर में आने वाले हैं, मुझे भी वो थोड़े से फ़ोन करके पूछेंगे भी मैं पाकिस्तान जाने वाला हूँ तो मैं कौन कौन से काम करके जाऊँ, तो मैं उनको बोलने वाला हूँ कि भी जेब में पर्स मत लेके जाना, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मत लेके जाना, क्योंकि पेंट के पैसे भी वो मांगने वाले हैं आपसे, तो ये गलती मत कर देना। नहीं नहीं सर, हमारे घर जो भी मेहमान आता है हम उससे यही कहते हैं, और ख़ास तौर पर अगर हिंदुस्तान से आए, कि आप अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वॉलेट कुछ लेकर मत आएँ, सब खर्चे हम उठाएंगे, सब चीज़ें हम देखेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हम मेज़बान हैं। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और सुमित जैन साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको काफी मजेदार लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।